आज हमने लेफ्ट ओवर ब्रेड और आलू का इस्तेमाल करके एकदम टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाया है। इसे हम रात को बना के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह में फ्राई करके बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और ये टोमेटो केचप के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं लेफ्ट ओवर ब्रेड और आलू का नाश्ता। इस रेसिपी का नाम है ब्रेड और वेजिटेबल कटलेट। मल्टीग्रेन ब्रेड की हमने 5 स्लाइस ली है। इसे हम तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे। आपके पास जो कोई भी ब्रेड की स्लाइस अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसे क्रश करके इसका ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ब्रेड क्रम्स को एक बाउल में निकाल लेते हैं। 2 बड़े आलू को उबाल के लिया है, इसे ग्रेट कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स को हम एक बड़े बाउल में ले लेते हैं। आलू हमने ग्रेट किया है, ये डाल देंगे। 1/3 कप बारीक चॉप गाजर, 1/3 कप बारीक चॉप शिमला मिर्च और 1 छोटा प्याज, इसे भी बारीक चॉप किया है। 1/4 कप बारीक चॉप हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप, 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक की पेस्ट, ये सब अंदर डाल देंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च कम डालें। 1/2 कप मटर को बॉईल करके इसे रफली क्रश किया है। इसके बदले में आप बॉईल कॉर्न भी डाल सकते हैं क्रश करके। मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसके बदले में आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 नींबू का रस डालेंगे। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स करके जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इकट्ठा कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है, अभी इसका रोल बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे। इस तरह से लंबा रोल बना लेंगे। इस तरह से सारे रोल रेडी कर लेते हैं। रोल बना के रेडी कर लिया है। कॉर्नफ्लोर और मैदा का घोल बनाएंगे। 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 पिंच जितना नमक डालेंगे, पानी डाल के पतला घोल बनाएंगे। बैटर बनाने में 1/2 कप में थोड़ा कम पानी लिया है, लगभग 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इतना पतला गोल हमने बनाया है। रोल को कोट करने के लिए ड्राई ब्रेड क्रम्स लिया है। रोल को पहले स्लरी में डिप करेंगे। और इसे ड्राई ब्रेड क्रम में डाल देंगे। रोल को इस तरह से ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। इस तरह से सारे रोल रेडी कर लेते हैं। इस तरह से रोल बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और जिस टाइम पे सर्व करना है उसी टाइम पे इसे फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अभी हम इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। रोल को हमने फ्रिज में रखा था, इसे 1/2 घंटा हो चुका है, तो अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और ये गर्म हो गया है। तेल में हम इसे धीरे से डाल देंगे।
एक साथ में ज़्यादा रोल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेते हैं। रोल को हम थोड़ी देर के बाद टर्न करेंगे, थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तभी। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अभी हम इसे टर्न कर लेंगे। उलट पलट के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राई कर लेते हैं। हो गया है, इसे निकाल लेंगे। इस तरह से इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। इस तरह से सारे रोल को फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड और आलू का एकदम चटपटा, टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता रेडी है। हमने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है, इसे हम ग्रीन चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।